ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। इन टुडे सेशन आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे रिवर्स फॉर्मूले के साथ। हम मेथड को, जो फॉर्मूला होता है, उसको रिवर्स तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे, हम क्या निकालते थे? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का दूसरा नाम क्या होता है? वैल्यू एडिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हमें न्यूमेरिकल के अंदर, लेट से फॉर एग्जांपल, सेल्स निकालनी होगी या चेंजिंग स्टॉक निकालना होगा या इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना होगा। सो यहाँ पे बहुत सारे कैच होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, और उसके बाद हमें एक चेन बनानी है कि किस तरीके से फॉर्मूले को रिवर्स करना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ये हम करेंगे। सेकंड, आज हम बात करेंगे कि वैल्यू एडिट का सेकंड फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को या सेल्स को कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास का जो हिंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो सेल्स निकलती है वो होता है प्राइस इनटू आउटपुट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी बच्चे कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सेल्स कैसे निकालते हैं। सेल्स, देखो तीन चीजें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में सिर्फ सेल्स दे रखी है, That means वो टोटल सेल्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो टोटल सेल्स है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, तो दैट मीन्स वो सेल है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुई है और इंडिया के अंदर सेल आउट हुई है। डोमेस्टिक सेल्स के साथ आपको हमेशा एक्सपोर्ट्स गिवन होंगे। सो यू नीड टू एड द टू आइटम्स, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। तीसरा, सेल्स कैसे निकलती है? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्राइस एंड आउटपुट, जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। आप प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करोगे, सेल्स निकल जाएगी। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट हिंट्स किस तरीके से आप सेल्स को निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, नाउ यू कैन स्विच इट ऑफ। एवरीबॉडी स्विच ऑफ द वेबकैम। लेट मी ऑल्सो स्विच इट ऑफ माइन, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, ठीक है। All right, friends, my screen is visible to everybody. Bria, मैं joke कर रहा था, I was just joking, यार, don't be serious, ठीक है? मैं मजाक कर रहा था, don't worry, Bria, I know, यार, you are a good girl, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। चलो, everybody just started off, my screen is visible to everybody, these are the question, ठीक है? आपके सामने question है, you have to find it out, calculate ग्रॉस वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसमें कॉम्पोनेंट्स बहुत ज्यादा दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट बताया था, ये उसी हिंट पे है। ठीक है, फटाफट शुरू हो जाओ और मेरे को आर्सन रिप्लाई करो पर्सनली, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर। स्टार्ट डूइंग इट। All right, ठीक है प्रिया, ठीक है, no issues, just watch the videos, everybody just watch the videos, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, just put the comment over there, I just try to solve it out, all right? अभी इस question को attempt करो, अगर register नहीं है आपके पास, तो इसको orally मन में करने की कोशिश करो, बाकी सारे करो, और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, वो आप इसको attempt करो। कंफ्यूजन है आरती, कंफ्यूजन है तो बच्चे करो सॉल्व, मुझे बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आप एक बार वीडियोस देखो, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता, फिर मुझे बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। आरती, आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोस जितनी भी मैंने आपको शेयर की थी। वेरी गुड रिया, आंसर आ गया, लेट अस वेट फॉर अदर्स। हाँ, तो आरती, जब आप सारी वीडियोस देख लोगे ना, तब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ है। जस्ट वॉच इट आउट, अगर सारी वीडियोस देखने के बाद भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे एक बार कनेक्ट हो जाना, आई लेट यू नो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा।
ठीक है. All right guys, we got an answer from Riya. Let us wait for others. चलो guys, फटाफट करो, do it. All right, Nikita, आपके bad issue है, no issues. Just watch the session recording, ठीक है? मैं आपको share कर दूंगा. अभी जहां तक attend हो सके कर लो. Yes, Riya, हमेशा हमेशा आंसर से पहले रुपीस और बाद में करोड़ है तो करोड़, लाख है तो लाख, हमेशा लगेगा. All right, करीना आपने ज्वाइन नहीं की थी तो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, जस्ट वॉच द सेशन रिकॉर्डिंग एंड डोंट ट्राई नॉट टू मिस द क्लास यार, क्लास मिस मत करा करो किसी भी सूरत में, क्योंकि पता क्या होता है, इट इज फॉर एवरीबॉडी. अगर आप क्लास मिस करते हो ना, क्योंकि बिकॉज वी आर टेकिंग द क्लास ऑन डेली बेसिस, मैं आपको डेली क्लासेस दे रहा हूँ, तो वो सारा पाइलअप होता जाएगा और एक साथ करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो ट्राई टू अटेंड द क्लास, वैसे भी 40 मिनट्स की क्लास होती है हमारी, तो एटलीस्ट वो स्पेयर कर लिया करो. अब जैसे ब्रिया कहीं पे बाहर है, बट एटलीस्ट शी इज अटेंडिंग द क्लास, ठीक है? अगर आप कहीं पे बाहर भी गए हो ना, तो ट्राई टू अटेंड द क्लास यार. क्या करना है, मोबाइल ऑन करना है, इयरफोन्स लगाने, एज सिंपल एज दैट. तो जस्ट ट्राई टू अटेंड द क्लास, मिस मत किया करो, वरना बहुत सारा पाइलअप हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. चलो, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, अब हम आंसर्स देखते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस. All right, so the correct answer is 13,000. Keshav, very good Keshav, you have the correct answer. Keshav का correct है. Let me check किस किसने correct किया है. Nehal, very good Nehal. बस Keshav और Nehal दो बच्चों ने correct करा है, बाकी सारे के सारे अपना यहाँ पे गलती देखो, आपने कहाँ पे गलती करी है. Just try to find it out. देखो कहाँ पे गलती करी है. बड़ा सिंपल था, मैंने आपको सेल्स बताया था, प्राइस इनटू आउटपुट सेल्स हो जाता है, डेप्रिएशन था, इंटरमीडिएट कॉस्ट था, चेंजिंग स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है. अब बताओ आपने क्या लिया है, सेल्स टैक्स और ये वाला जो एक्साइज ड्यूटी, दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है. देखो एक बार और मुझे रिप्लाई करो. इसी तरीके से बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, जितना हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमें कम्फर्ट हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके. एक्साइज ड्यूटी नहीं किया, कोई बात नहीं कोमल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. गाइस जाना है, फटाफट रिप्लाई करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे. ऑल राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. गाइस करो ये वाला क्वेश्चन. पूजा पूजा देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, देखो आप देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था. देखो दोबारा से, हमें क्वेश्चन में GDPFC निकालना था. मैंने क्या बताया था, VA किसके बराबर होता है, DP. तो GDPFC निकालना था. अब GDPMP तक निकालो पहले. GDPMP निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, सेल्स ये दोनों से आ गया, 1000 × 30 सेल्स आ गया, प्लस चेंजिंग स्टॉक कर लो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, 12,000. ठीक है, ये GDPMP आ गया. अब जब मैं कन्वर्जन रूल के थ्रू MP टू FC जाऊंगा तो क्या करूंगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये दो आइटम मैं माइनस कर दूंगा, -2500 -3500. बस एज सिंपल एट दैट, पूजा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें. अगर आपको फॉर्मूले याद है गाइस, बिलीव मी, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, चलो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 2, करो इसको, डू इट और मुझे आंसर बताओ.
आउटपुट सेल नहीं होता गुरविंदर, सेल्स निकलता है प्राइस और आउटपुट को जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्राइस नहीं गिवन है तो हम आउटपुट को ही सेल्स मानेंगे, बट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, आपको प्राइस भी गिवन है आउटपुट भी गिवन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। रिया स्क्रीन विजिबल है गाइस, लास्ट कंपोनेंट सबको विजिबल है, सब्सिडीज विजिबल 500, रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, आर यू एबल टू सी द सब्सिडी आइटम 500 वैल्यू, ऑलराइट रिया देखो विजिबल है बच्चे, सारा विजिबल है। ऑल राइट गौरव का आ गया है, नेहल का आ गया है। गाइस आप लोग पीछे वैल्यूज नहीं लगा रहे हो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो फिर छोड़ सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट डाउन रुपीज एंड लैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें है, एक सेकंड मुझे देखने दो। हाँ बेटा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ध्यान से देखो एक कॉम्पोनेंट दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स का, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैं तो बता ही दूंगा बट मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। कोमल All right, yes, import duty है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, let's check the answer, ठीक है, just a second. All right, 9450 is the correct answer. ठीक है लेट मी चेक कितने बच्चों ने दिया करेक्ट आंसर। 9450 केशव, वेरी गुड केशव। निधि वेरी गुड। ऑल राइट बस दो बच्चों का सही है, 9850 प्रिया, 9450 करेक्ट आंसर है। जस्ट चेक इट आउट आपने कहां पे गलती करी है, एवरीबडी जस्ट चेक इट आउट, आंसर चेक करो और मुझे बताओ कहां पे गलती करी है। बच्चे इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए ली है क्योंकि हमें एफसी निकालना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन रीड नहीं करा, आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, यहाँ पे एफसी है तो हमें जब जब हम एमपी से एफसी जाते हैं, मैंने क्या बताया हुआ है कि जब जब प्रोडक्शन मेथड के क्वेश्चन को करोगे तो आप सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालोगे, तो जीडीपी एमपी आपने निकाला, जब एमपी टू एफसी जाओगे तो क्या करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज हो जाएगा, इसलिए यहां पे लिया है हमने। रिया ठीक है, रिया सैगल डन है। अब आप ये देख लो, ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन का थर्ड या फोर्थ क्लासेस पे कर रहे हैं बट अभी भी मोस्टली 80% बच्चों का आंसर सही नहीं आ रहा,
दैट मीन्स आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. बड़ा मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर थ्री करो. क्वेश्चन नंबर थ्री, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? इंटरमीडिएट कॉस्ट दिख रही है सबको 8000 की? ऑल राइट, जस्ट डू क्वेश्चन नंबर थ्री. आई वॉन्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी. सबके साथ मुझे करेक्ट आंसर चाहिए. जस्ट डू इट. All right, Riya Saksham, let us wait for others. Just a second. Guys, Indian economy ke session bhi attend karna aur usko regularly yaad karna, usko chhodna mat. Agar aap sochoge Indian economy last mein yaad karoge, to believe me, wo last mein yaad nahi hone wali. It's better ki hum saath saath yaad karte rahe. All right, Chetna, नेहल एंड अनामिका, आप तीनों के आंसर सेम है और जहां तक मुझे लग रहा है आप तीनों के आंसर ठीक हैं क्योंकि आपकी तीनों की वैल्यू सेम आ रही है. निधि, वेरी गुड, सेम है बिल्कुल. प्रिया, जस्ट चेक इट आउट. कोमल, चेक इट आउट. केशव, गुड. चार बच्चों के आंसर सेम है तो मुझे लग रहा है वो आंसर करेक्ट है. बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो द आंसर, मैं अभी देखूंगा. सक्षम, नहीं, चेक करो, गलती है वहीं पे. नंदनी, नो, गलती है. कोमल, नो. गाइस, खूब प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की. घर पे बैठ के एक घंटा निकालो इकोनॉमिक्स के लिए. बिलीव मी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 100 out of 100 आ सकते हैं दोनों में. ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले. अभी भी काफी बच्चों के आंसर गलत है. चलो मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सी द करेक्ट आंसर इज 6500. तो मेरा डाउट बिल्कुल सही था. नेहल, चेतना और केशव और एक और था कोई, आप चारों के आंसर सेम थे. दैट मींस वो करेक्ट आंसर था. करेक्ट आंसर इज 6500. रिया, ऑलराइट, यस रिया, ठीक है. सो गाइस देखो, बाकी जिनके सही नहीं है जस्ट ट्राई इट आउट. बाकी आपके 200 की मिस्टेक है, आपने कहां पे गलती करी है? कैलकुलेशन में गलती करी है शायद आपने. ठीक है, एक बार फटाफट देखो और मुझे डन सर के साथ रिप्लाई करो, फिर मैं दूसरी बुक पे लेके जा रहा हूँ आपको. सो हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो करेंगे ताकि आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाए. फटाफट से डन सर के साथ रिप्लाई करो एवरीबॉडी. क्वेश्चन नहीं देखा ठीक से, ऑल राइट. कोमल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बच्चे. अगर एनडीपीएफसी निकालने को बोला हो तो हम पहले जीडीपीएमपी निकालेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे जीडीपीएमपी को एनडीपीएफसी में. आईसी सबने देखा था यार, अपना गुरविंदर. बाकी सबका आंसर सही कैसे आ गया अगर स्क्रीन पे नहीं विजिबल था तो? सबने देखा है, चार बच्चों का आंसर सही आया बिल्कुल. चलो बहाने वो मारो जो जस्टिफाई लगे, गलत बहाने मत मारो. जस्ट अ सेकेंड. चलो ऑल राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर, दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स.
सबको विजिबल है? चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पकड़ लो, कैलकुलेट सेल्स, यू हैव टू फाइंड इट आउट सेल्स। अब जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना रिवर्स, अब इसमें रिवर्स चलेगा, इसको ध्यान से करना और मुझे सही आंसर चाहिए तुम सबसे, ठीक है? हमें सेल्स निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है। हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन में, रिवर्स वाले क्वेश्चन में, आप देखा करो कि आपको न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट क्या दे रखा है। सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट आपको दे रखा है कॉम्पोनेंट नंबर वन, दैट इज NDPHFC, ठीक है? आप ध्यान से सुनो, NDPHFC को कन्वर्ट करो GDPMP पे, और उसके बाद GDPMP की जब वैल्यू आ जाएगी फिर फॉर्मूला लगाना। GDPMP का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है? जस्ट डू इट, ध्यान से करना, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, डू इट। गुरविंदर मुझे करेक्ट आंसर चाहिए इस बार। ऑल राइट, निधि चेतना आप दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो आई थिंक कि आंसर सही है। लेट अस वेट फॉर अदर्स। रिया चेक करो, प्रिया चेक करो, पास में पहुंचते पहुंचते रह गई हो प्रिया, रिया एक बार रीचेक करो अपने आंसर को। राखी मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर अटेम्प्ट करेंगे, बट लेट अस अटेम्प्ट, सबको अटेम्प्ट करने दो। केशव चेक करो आंसर को, कहीं पे गलती है शायद। प्रिया ऑल राइट, प्रिया केशव सक्षम, आप तीनों के आंसर सेम है, पूजा आपके आंसर सेम है, चेतना आप चेक करो अपने क्वेश्चन को, जो पहले मैंने दो स्टूडेंट्स का नेम कॉल आउट किए थे, आप अपने आंसर चेक करो। सो देयर आर फोर पीपल जिनके आंसर सेम आ रहे हैं। ऋषभ चेक करो, गलती है बच्चे, बहुत ज्यादा फर्क है आंसर में। अनामिका बिल्कुल ठीक है। गाइज आंसर चेतना आप चेक करो, आपका गलत है कहीं पे। ऑलमोस्ट 5 बच्चों के सेम आंसर्स हैं। कोमल चेक करो, रीचेक करो। और यहां पे पीछे लैक्स में गिवन है कोमल, तो आप अपने आंसर के पीछे लैक्स लगाओ। देखो जो क्वेश्चन है वो रुपीज और लैक्स में गिवन है, तो पीछे लैक लगाओ, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। Guys, everybody submit the answers. Yes, चेतना आप ठीक है, अब आपने सही सबमिट करा है। अंकुश बिल्कुल गलत है, बहुत दूर हो आंसर से, ध्यान रखो और घर पे प्रैक्टिस शुरू करो इसकी। गौरव नहीं, गुरविंदर आंसर, नंदनी थोड़ा दूर हो, चेक करो। कोमल नहीं, कहीं पे गलती कर रही हो। गौरव ठीक है, अब ठीक है। बच्चे जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा, इसको फाइंड आउट करो आंसर क्यों नहीं आ रहा, कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे समझ में नहीं आ रहा।
प्रैक्टिस करो, क्लास के बाद मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है सर मुझे बताओ, ठीक है ऐसे चुपचाप बैठने से नहीं समझ में आने वाला, आप ये 6 मार्क्स लूज कर दोगे बोर्ड एग्जाम्स में। ऑल राइट, सो लेट अस सी द आंसर। सी द करेक्ट आंसर इज 600 लाख। ये देखो ऑलमोस्ट 7 या 8 बच्चों का 600 था, पहले 2 बच्चों ने 650 सबमिट किया था, बट बाद में मोस्टली सबने 600 सबमिट किया है। जिन बच्चों का नहीं हुआ यहाँ पे चेक करो, मैंने आपको हिंट स्टार्टिंग में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। NDPFC को हमें कन्वर्ट करना है GDPMP में, ठीक है। देखो इसका आंसर फाइनल आंसर चेक करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें टाइप करके बता दूँ कैसे करना है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी डू इट। ध्यान से देखो सारे के सारे, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन में था GDPMP। बच्चे लाइन हटाओ, किसकी तरफ से लाइन आई है ये, नेक्स्ट टाइम मत करना इसे, ठीक है। तो हमें GDPMP फाइंड आउट करना है, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है NDP, ठीक है, FC, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, अब मैं आपको बता रहा हूं हाईलाइटर से, आप समझ जाना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब देखो मुझे क्वेश्चन में NDPFC गिवन है, मुझे GDPMP निकालना है, तो सबसे पहले मैं N से G पे जाऊंगा, ये इसका पहला कंपोनेंट N है, इसका पहला कंपोनेंट G है। सो मैं जब मैं N से G पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है, 30। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस 30 रखी है, ये देखो कंपोनेंट में डेप्रिसिएशन प्लस 30 है, ठीक है। तो पहला कॉम्पोनेंट क्रॉस आउट हो गया, सेकेंड कॉम्पोनेंट इसका भी डी है, इसका भी डी है, कैंसिल आउट हो गया। थर्ड कंपोनेंट इसका भी पी है, इसका भी पी है, क्रॉस आउट हो गया। अब फोर्थ, मुझे एफसी से एमपी पे जाना है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अगर एमपी टू एफसी जाते क्या करते हैं, -NIT प्लस, अगर मैं एफसी से एमपी में जा रहा हूं तो मैं +NIT करूंगा, +IT माइनस सब्सिडीज, यहाँ पे देखो +IT दे रखा है, तो +20 हो गया, ठीक है। अब समझो ये दो चीजें हो गई, अब मैं मोटी चीज पे आता हूँ, एक सेकेंड लेट मी जस्ट रब इट ऑफ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम्हारे पास जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये विजिबल है ना, सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन, ये देखो ये फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी का, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब मुझे बताओ हमने क्या करना है, मेरे पास जीडीपी एमपी गिवन है, मुझे सेल्स निकालनी है, तो अगर मैं चेंजिंग स्टॉक को यहां पे ले जाके माइनस कर दूंगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को प्लस कर दूंगा तो मेरा सेल्स निकल आएगा, एज सिंपल एज दैट। मैंने चेंजिंग स्टॉक को इधर ले जाके माइनस कर दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को प्लस कर दिया, मेरा सेल्स निकल आया। अब मुझे बताओ अब किसी को प्रॉब्लम है, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स और मुझे बताओ, क्योंकि अगर ये डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, जिंदगी में कभी भी नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ लो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 राखी बेटा, सेशन रिकॉर्डिंग चेक करना एक बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 10 मिनट्स लगा दिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 करो, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, आप क्लास के बाद एक बार कनेक्ट हो जाना या इस वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा से आप देख लें, ठीक है। गाइस डू इट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 2 मिनट है, डू इट। नंदिनी जस्ट वॉच द सेशन रिकॉर्डिंग, वहां पे क्लियरली ले लेना, ठीक है। आफ्टर एवरी क्लास अगर आपने क्लास अटेंड भी करी है तब भी सेशन रिकॉर्डिंग देखा करो, बार बार देखा करो, आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट घुस जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7,
All right, we got the answer from Rishabh, Gaurav, Riya. आप तीनों के आंसर बिल्कुल सेम है. प्रिया, वेरी गुड, आपके भी आंसर सेम है. दैट मीन्स करेक्ट आंसर है ऋषभ, गौरव, रिया, प्रिया. चारों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड. लेट अस वेट फॉर अदर्स. चेतना ठीक है, नेहल ठीक है, सबके आंसर सेम आ रहे हैं. वेरी गुड. निधि ठीक है, पूजा ठीक है, वेरी गुड गाइस.